चलिए दोस्तों, चलते हैं आज एक नई नगरी में, जिस नगरी का नाम प्यार है, जिसे लोग लव भी बोलते हैं। उस नगरी में हम देखते तो बहुत कुछ हैं, सीखते कुछ नहीं हैं, या सीखते तो बहुत हैं, समझते नहीं हैं। समझते तो बहुत हैं, लेकिन पहचानने की समझ नहीं रखते। पहचानते तो बहुत हैं, लेकिन अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। प्यार किसे कहते हैं? वो जो हम दूसरों से मांगते हैं, मुझे प्यार दे दो, मैं प्यार का भूखा हूँ, मुझे प्यार की ज़रूरत है। आज माँ ने रोटी परोस दी है तो वो प्यार है, आज माँ बिजी है तो वो प्यार नहीं है। आज घर से निकले, दोस्तों ने पूछ लिया तुम ठीक हो, अच्छे हो, तो वो प्यार है। अगर नहीं पूछा है तो वो प्यार नहीं है। चलते हुए राही में दोस्तों ने, किसी ने प्यार से देखकर हाथ पकड़ लिया तो वो प्यार है, लेकिन हम भूल जा रहे हैं कि वो प्यार नहीं है। जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता, वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। प्यार क्या है, क्या हम जानते हैं? प्यार वो है जो हम अपने आप से करते हैं, लेकिन हम तो चले हैं सबसे प्यार करने, मांग रहे हैं सबसे प्यार, चाहे वो भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, कोई भी है, मांग रहे हैं प्यार। चलो इसने नहीं दिया तो किसी और से ले लेंगे, किसी और ने नहीं दिया तो किसी और से ले लेंगे, बस प्यार ढूंढे चले जा रहे हैं। लेकिन मालूम नहीं है कि प्यार ढूंढने की चीज़ नहीं है, प्यार तो अपने अंदर ढूंढना है। वी हैव टू लुक विद इन, अंदर झांकने की ज़रूरत है। प्यार तो यहाँ है अंदर, जिसे हम ढूंढते ही नहीं हैं, देखते ही नहीं हैं। जैसे कि हम प्यार मांग रहे हैं, वो मांगने से नहीं मिलेगा, वो तो वाइब्रेशन है प्यार की, मिलेगी नहीं। वो कोई पैकेज नहीं है जो किसी से मांगने से मिल जाएगा। वो कोई ताश की गड्डी भी नहीं है कि जिसे हम जैसे खोलेंगे उसमें से आज या तो बड़ा या छोटा पत्ता हमारे हाथ लग जाएगा। प्यार क्या है, उसे समझना है और अपने अंदर ढूंढना है। आज मैं आपको लेके चलूंगी एक ऐसी दुनिया में जिसे हम बोलते हैं अपने आप से प्यार करना, हीलिंग ऑफ योरसेल्फ, हीलिंग ऑफ लव। वो प्यार की परिभाषा जो हम दूसरों से मांग रहे हैं, अपने अंदर ढूंढते हैं और अपने आप से प्यार करना सीखते हैं। जिस दिन अपने आप से प्यार करना सीख जाएंगे ना, वो दिन ये जो छोटी 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 चीज़ें अपने शरीर में हमने पाल ली है ना, जिनको हम बोलते हैं माइग्रेन, सर दर्द, पांव का दर्द, बैक एक, पीठ की दर्द, नीचे भी है ऊपर भी है, पांव में दर्द नीचे भी है ऊपर भी है, सब निकलने लगेगा। क्योंकि हम समझने लगेंगे वो हमारे पैटर्न्स हैं जिन्हें हमने बांध के रखा हुआ है अपने शरीर में गांठों की तरह। एक एक करके गांठ खुलेगी तो शरीर का हर हिस्सा भी सुधरने लगेगा। पहले शरीर भी सुधरेगा और मन भी और हमारा सोल भी। तो मैं लेके चलती हूँ आज आपको एक हीलिंग की तरफ। कोई कंफर्टेबल सी जगह ढूंढ ले,
या तो लेट जाएं जमीन पर या बैठ जाएं किसी कुर्सी पर आराम से। अपने हाथों को ऊपर की तरफ आसमान की तरफ खुला छोड़ दें और आने दे हाथों में वो वाइब्रेशंस जिनसे आज हम आपको हील करने वाले हैं। अपने आप को रिलैक्स कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ। और धीरे धीरे एक बड़ी सी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। फिर एक और बड़ी सी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। चमचमाते हुए तारे जैसे दिखते हैं ना, उनको अपने शरीर में प्रवेश करते हुए देखिए और देखिए आप कितना रिलैक्स फील करेंगे। गोल्डन रंग जो बहुत सुंदर है, उसे अपने माथे पे महसूस करिए। फिर उसे अपनी आंखों में जाते हुए देखिए। चेहरा कितना सुंदर लग रहा है ना वो गोल्डन रंग से। वो आपके गर्दन में पहुंच गया है और आपको रिलैक्स कर रहा है। जैसे जैसे वो गोल्डन रंग आपके शरीर के हर हिस्से में जा रहा है, आप हील होते जा रहे हैं। और रिलैक्स करें। अब वो गोल्डन रंग आपके कंधों पे चला गया है, हाथों में, उंगलियों में, स्टमक में, बैक में, अब वो पैरों में पहुंच गया है, पैरों की उंगलियों तक चला गया है और आप अब बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। मैं 1 से 10 तक की गिनती गिनूंगी, उसके बाद आप एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुके होंगे। जैसे जैसे मैं गिनती बढ़ाऊंगी, आप और रिलैक्स होते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। एक दूसरी दुनिया में जहां एक सफेद रंग का घोड़ा है जो बहुत सुंदर है, उसकी आंखें नीले रंग की हैं और वो देखने में बहुत खूबसूरत है और आप उस सफेद रंग के घोड़े पे बैठे हैं। वो सफेद रंग का घोड़ा भागता चला जा रहा है, बहुत दूर बहुत दूर दूर बहुत से उतरिए, नीचे आइए और देखिए
ऐसा कौन सा पल था जिंदगी का जब आप बहुत खुश थे आपके जन्मदिन पर, आपकी शादी के दिन, या उस दिन जब किसी ने आपका हाथ पहली बार पकड़ के आपको आई लव यू बोला था, या उस दिन जिस दिन मैं घर आया था तो माँ ने दरवाजे पे ही लिपट कर बोला था, आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वो एक ऐसा क्षण याद करें, किस रंग के कपड़े पहने थे, कौन सा क्षण आपकी जिंदगी में जो सबसे सुंदर था, जिसे आप जब भी याद करते हैं तो खुश हो जाते हैं। सोचिए, उसे अपने आंखों से पास लाइए, वो खिलखिलाती हुई हंसी, वो खुशी, वो प्यार को एक बार फिर से महसूस करिए। प्यार को महसूस करिए, शायद आपके हाथ गर्म हो रहे हैं उस एहसास से, उस प्यार से। महसूस करें, क्या वातावरण था वहां, महसूस करें कौन कौन था वहां आपके साथ, क्या क्षण था वो, उसे महसूस करें। दूर है या पास है, देखें उसे। अब मैं शांत हो जाऊंगी, आप उसे महसूस करें। 5 मिनट आप उसे सोचें, महसूस करें, फील करें। Thank you.
क्या देखा आपने? कोई रंग नजर आया? कोई पल नजर आया जिसमें आप बहुत खुश थे? क्या पल था आपको मालूम है? उस पल में आपने अपने आप से प्यार किया है। उस पल ने आपको दोबारा से हंसने का मौका दिया है। देखें अपने आप को, आप हंस रहे हैं। आपकी आंखों में और आपके मुख पे हंसी है। वो सरसराहट है जो पहले प्यार की हुआ करती है। उस सरसराहट को आपने महसूस किया? क्यों नहीं हम वो सरसराहट हमेशा महसूस कर सकते? अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर। धीरे धीरे अपने हाथों को मलिए, अपनी आंखों पे लगाइए। आप जब इस मेडिटेशन को 21 दिन रोज करेंगे ना, आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे। एहसास होने लगेगा कि शीशे में जो दिखता है, चाहे वो मोटा है या पतला है, काला है या सफेद है, मैं जैसा भी हूं, भगवान ने मुझे यूनिक बनाया है। आई हैव टू एक्सेप्ट myself द वे आई एम। बदल के अगर प्यार किया तो उसे प्यार नहीं कहते। अपने अंदर कमियां मत ढूंढिए, अपने अंदर अच्छाइयां ढूंढिए। भगवान ने आपके जैसा और कोई नहीं बनाया। आप अकेले ही हैं ऐसे यूनिक। दूसरों को देख के मत जिए। कहते हैं ना, हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख से दुखी हैं। वो मत करिए, अपने सुख में जीना सीखिए। जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। बस हम देख नहीं पा रहे हैं। हमने आज से देखना शुरू करना है अपने आप को, एक नए नजरिए से, एक नए तरीके से। आपकी अपनी हरप्रीत कौर कंधारी। नमस्कार।